Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Siddharth Shukla. He is an Indian actor and he is born on 12th December 1980. किसी ने मुझसे उनका मैरिज स्टेटस पूछा हुआ है. उन्होंने, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि उनके फादर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर काम कर चुके हैं और उनकी जो मदर हैं वो होम मेकर हैं और वो खुद सिद्धार्थ जो है वो बालिका वधू जो एक सीरियल आता था उसमें वो काम कर चुके हैं. एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने उसमें निभाया हुआ था और दिल से दिल तक, बिग बॉस जैसे सीरियल्स जो हैं उन्होंने उसमें काम वो कर चुके हैं. तो किसी ने उससे ये पूछा हुआ है कि उनकी शादी जो है वो कब तक होगी. तो ये प्रश्न मैं अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ. उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो हो चुकी हैं, काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स उनकी हैं और हो भी चुकी हैं. कई सारा ब्रेकअप उनके दिखा रहा था उसमें. तो किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि सिद्धार्थ शुक्ला का कब तक जो है वो मैरिज होगी, होगी कि नहीं होगी. मैं अपने कार्ड से यही पूछूंगी. मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, बालिका वधू में भी काम कर चुके हैं, दिल से दिल तक, बिग बॉस जैसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं और उनका जन्म 12 दिसंबर 1980 मुंबई में ही हुआ है. किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि उनकी शादी होगी कि नहीं होगी. सबसे पहला प्रश्न मैं यही रख रही हूँ. उनकी मैरिज स्टेटस के बारे में पूछा गया है, उनकी मैरिज होगी कि नहीं होगी. सबसे पहला मैं प्रश्न यही रख रही हूँ कि उनकी मैरिज होगी कि नहीं होगी और अगर होगी तो किस तरह की लड़की से होगी, वो लड़की किस तरह की होगी, उसके वो गुण पता चल सकते हैं यहाँ पे. उसका क्या ट्रेड्स होंगे, क्या कैरेक्टर्स होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये सब कार्ड के थ्रू पता चल जाएगा. यहाँ पे सिद्धार्थ जो है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ इनकी हैं, इनकी मैरिज तो होगी. और एंजल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं. सिद्धार्थ की शादी जो है वो होगी, पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है. और एंजल्स का यहाँ पे जो है मैसेज है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए उनको जो है यहाँ पे एक होता है ना, व्यक्ति का जन्म किस वजह से होता है. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो खुद भी एक बहुत ही एक अच्छे स्टूडेंट हैं और स्टूडियस लाइफ वो एक समय पे उन्होंने एक अच्छे से उन्होंने व्यतीत करी है. उन्होंने शायद इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी कोर्स वगैरह कुछ कर रखा है. तो ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड पर्सनैलिटी, ही इज़ वेरी एजुकेटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है. और उनको अभी इस वक्त अपनी माता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. और इस वक्त उन, अगर आप, मैं कहूँ कि जैसे होता है ना कि मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है या अभी तक डिले क्यों है, तो उनकी माँ का एक बहुत बड़ा रोल है उनकी लाइफ में. ये एक ऐसी स्त्री है जो कि उनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करती हैं. तो इस तरह का यहाँ पे कार्ड यहाँ बताता है कि, लेकिन यहाँ पे कार्ड जो आया हुआ है ये नेगेटिव कार्ड है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शायद सिद्धार्थ जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट या मारपीट टाइप का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है. कई बार उनके रिश्ते टूटे हैं, इस वजह से उनकी इमेज शायद मीडिया में ख़राब हुई है. ये एक अंदरूनी बात है कि उन्होंने किसी के साथ जो है झगड़ा बहुत ज़्यादा इतना कर लिया कि मतलब मारपीट तक के तक पहुँच गया केस. तो इस तरह का जीवन में उनके ज़रूर हुआ होगा, इसकी वजह से इनकी इमेज ख़राब हुई है और इनकी शादी में इसी वजह से डिले होता जा रहा है. और ये बात इनकी माँ जानती हैं, वो लेडी जानती है जो सपोर्ट करती है. तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है. शायद इनकी माँ को ठीक नहीं ठीक लग रहा होगा, वो खुद भी परेशान होंगी कि मेरे बेटे की शादी जो है वो नहीं हो पा रही है इन सब कारणों की वजह से. शायद उनका गुस्सा इतना ज़्यादा होगा कि वो मतलब चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, खुद ही बिगाड़ देते हैं. यहाँ जो मारपीट वाला कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं इतना तेज़ झगड़ा कि सब चीज़ जो है अपने ही करियर पर जो है वो दाग लग जाता है सब चीज़ों से. तो उससे क्या होता है कि फिर इमेज ख़राब होती है सोसाइटी में, इससे कोई फ़ायदा नहीं है. वो खुद एक प्रिंस की तरह हैं, एक अच्छे फैमिली के हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड ये बताता है कि वो अपनी चाहते हैं, वो फैमिली होना चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली हो, उनकी शादी हो, लेकिन इस प्रॉब्लम को वो बोझे की तरह ढो रहे हैं. शायद इतना गुस्सा है उनके में. ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं जो हूँ अपना करियर भी देखूँ और अपनी फैमिली को भी देखूँ. ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहते, वो शादी करना चाहते हैं. फिर यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है पॉजिटिव है, बोथ कार्ड्स आर पॉजिटिव. ओके, तो शादी वो करना चाहते हैं. अब मैं यहाँ पे ये कार्ड हामी तो भर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका गुस्सा शायद बहुत तेज़ है,
इस वजह से सब चीज़ें खराब हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है सिद्धार्थ की लाइफ में। जो लोग उनके फैंस होंगे या कोई भी उनके जो सपोर्टर्स होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि देखिए किसी भी देखिए समाज में जब इमेज खराब हो जाती है करियर को लेके तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं एक एक्टर को। तो इसलिए उनका जो फील्ड है जिस तरह के वो हैं तो उसमें उनको सावधानी बरतनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा झगड़ा ना करें। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर उनकी मैरिज होगी तो वो लड़की किस तरह की होगी। किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है, मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं जो भी मेरी डिवाइन एनर्जीज हैं प्लीज़ मुझे बताएं। सिद्धार्थ शुक्ला का मैरिज उनकी शादी होगी लेकिन किस तरह की लड़की से होगी, वो लड़की कैसी होगी। इन सब झगड़ों के बाद भी इन सब नेचर जो उनका नेचर है झगड़े वाला या गुस्से वाला इन सब के बावजूद भी कोई ऐसी भगवान ने कोई ना कोई ऊपर वाले ने जोड़ी तो बना के रखी होगी ना, शादी तो होगी ही होगी, इसमें तो कार्ड हामी भर रहे हैं। लेकिन किस तरह की लड़की होगी और निभा पाएगी कि नहीं निभा पाएगी बात ये भी है एक। यहाँ पे इनकी मैरिज लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पे कार्ड जो सबसे पहला आया हुआ है वो इनकी शादी अभी जल्दी नहीं होने वाली है, ये ड्रीम वाला कार्ड है कि सोचते ही रह जाना काम होना ही नहीं है। तो काम तो इनका नहीं होने वाला, ये शादी वाला में जो है जो जो चल रहा है जो सोच रहे हैं वो शायद नहीं है, पॉसिबिलिटीज अभी है नहीं, अभी शायद और समय लगेगा। और ये यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि कुछ उनके साथ जो है वो ट्रिक्स जो खेलते हैं ना कि इस तरीके से वैसे काम कर लो या किसी को गुस्से से अगर बात कर लो तो बाद में उसको सुधार रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। तो ये कार्ड यहाँ बताता है कि ट्रिक्स खेली जा रही हैं उनके साथ, खेली जा रही हैं या तो आसपास के लोग जो हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है, ये दोनों ही कार्ड नेगेटिव हैं। इस वजह से इनकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इनकी मैरिज जिस लड़की से होगी वो बहुत ही इंसल्ट झेलेगी। वो खुद तो बहुत पढ़ी लिखी होगी, बहुत अच्छी उसकी नेचर की होगी और बहुत ही सहनशील लड़की होगी, लेकिन वही बात है ना कि इंसल्ट बहुत झेलनी पड़ेगी उस लड़की को। इनको लड़की जो मिलेगी और जल्दी इनकी शादी, तो अभी यहाँ पे कार्ड्स हामी नहीं भर रहे हैं, मैं फिर भी एक बार कंफर्म करके पूछना चाहूँगी कार्ड्स के थ्रू कि इनकी शादी जो है वो इस लड़की से, ये यहाँ पे कार्ड क्योंकि एक ऐसी लेडी का आया हुआ है जो कि जैसे होता है ना बहुत ही यंग एज की लड़की से तो नहीं होगी इनकी शादी। जैसे होता है ना कि 22-25 की एज की या 26 की एज की उसके अबव भी होगी, तो 30 के आसपास की कोई लड़की हो सकती है, 30-40 के बीच में हो सकती है। तो जिसने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल चीज़ों को नॉलेज लिया हुआ होगा और बहुत नॉलेज गेन करी होगी, लेकिन बाद में वो उसको इंसल्ट ही झेलनी पड़ेगी अपने ससुराल में, इनके इनके घर में गई जाएंगी तो। और इंसल्ट इन्हीं से क्योंकि गुस्सा इतना तेज है ना इनका कि शायद ये चीज़ें इस लड़की के लिए बिगड़ जाएं। लेकिन ये लड़की जब इनसे आएगी तो वो चीज़ों को संभालेगी। और ये पीस का कार्ड है, आप तो जानते ही हैं पिजन जो है वो पीस का कार्ड होता है, पीस है मतलब इनकी लाइफ में कुछ शांति आएगी, कुछ शांति आएगी। लेकिन उसके पहले जो है काफ़ी चीज़ें उस लड़की को बहुत सहन करनी पड़ेगी। शांति तो आएगी और तब जाके बीच जो सिद्धार्थ जो लड़ जाते हैं ये गुस्से में हो जाते हैं, ये सब चीज़ें इनके में कम हो जाएंगी। अब मैं ये पूछ लेती हूँ, मैं ये जो कार्ड ये लड़की के लिए आया हुआ है इसके शादी के होने के बाद ही ये थोड़ा सा शांत होंगे, थोड़ा सा जो झगड़ा झंझट इनके लाइफ में जो भी चल रहा होगा, जब सब चीज़ें जो तो मीडिया में नहीं आती ना अंदरूनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हम लोगों को क्या मालूम, लेकिन यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके अभी इस वक्त बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा करियर जो है वो जल के राख हो गया है गुस्से की वजह से और ट्रिक्स खेलने की वजह से। वो खुद भी ट्रिक्स के अगर खेलेंगे तो भी जो है उनके लिए नुकसानदेह है। तो ये लड़की जब इनको मिल जाएगी उसके बाद ही इनके लाइफ में शांति बनेगी और सारा जो जितना भी झगड़ा झंझट है उनके लाइफ में वो सब फिनिश हो जाएगा। मैं कार्ड्स एक बार इसमें और देख लेती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला का ये लड़की के बारे में और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ये लड़की के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि ये लड़की कौन होगी, इसके क्या कैरेक्टर्स होंगे। और ये बात तो साफ है कि ये बहुत ही सहनशील और बहुत ही नॉलेजेबल होगी अपने फील्ड में, बहुत नॉलेजेबल होगी और बहुत इंसल्ट जो है इसने झेली होगी, स्ट्रगलिंग होगी बहुत ज़्यादा।
तो मैं ये जानना चाहूँगी इसमें और कुछ बताना चाहेंगे मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। सिद्धार्थ शुक्ला की वाइफ जो कंफर्म जो निभाएगी बातें में जो निभाएगी, मैं इस कार्ड को किनारे रख दे रही हूँ। ये लड़की इनकी लाइफ में ऑलरेडी जैसे होता है ना जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है, जो लक वाला जो कार्ड होता है ना कि जो किस्मत में आपके बन गया है, जन्म के वक्त ही इस लड़की का डिसीजन हो गया था कि इस लड़की से ही इनकी शादी होनी है और देर से ही होनी है। तो ये कार्ड इतना झेलने के बाद मतलब इतना उसमें मतलब इतना गुस्सा है उनके में उस व्यक्ति में कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये लड़की इनके लाइफ में आएगी, तो ये इनकी किस्मत का खेल है, ये सब इनकी लक पे डिपेंडेंट है। वो जो कोई भी लड़की है इनको इनकी किस्मत से मिलेगी, और ये एक सच्चाई है कि ये इनकी जो भी परेशानियां हैं सिद्धार्थ की, ये एक सच्चाई है कि जो भी परेशानियां हैं, जो टेंशन हो, चाहे घर में टेंशन चल रहा हो, चाहे करियर को लेकर टेंशन चल रहा हो, इट वरीज वाला कार्ड आया हुआ है और ये रियलिटी का कार्ड है। तो ये सब लड़की जो है उनके लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, देयर विल बी अ रीजन ऑफ न्यू लाइट, न्यू क्रिएटिविटी का, ताकि अपना वो माइंड जो है वो उस वाइफ के साथ अपने, वो कोई भी जो कोई भी लड़की है उसके बाद ही इनके लाइफ में कुछ ठीक से होगा, लेकिन वो खुद ससुराल में उसको थोड़ा सा झेलम उसको झेलनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है वहाँ पे। तो हालांकि वो सहन कर लेगी, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि यही इनकी वाइफ होगी, वही ये आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस तब इनका बढ़ेगा, इनका कॉन्फिडेंस जब सिद्धार्थ का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब ये अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे ये रस्सी बांध रहा है पेड़ पे, तो और ग्रोथ होगी इनके लाइफ में और तब जो है सही माने में इनके में लाइफ में जजमेंट होगा, जस्टिस होगा इनकी लाइफ में। तो जिस किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ था कि इनकी शादी कर लेके मैरिज स्टेटस किस तरह का है, क्या इनके लाइफ में कोई लड़की आएगी कि नहीं आएगी, इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, इनकी शादी बिल्कुल होगी, थोड़ा सा समय है, अभी भी समय है, और ये लड़की जो है हो सकता है कि मीडिया से इस वक्त बाहर हो, मोस्ट प्रोबेबली या इनकी नज़र में भी हो, और मुझे नहीं मालूम, ये लड़की के कैरेक्टर्स यही बता रहा है कि ये लड़की जो है वो बहुत ही, मैंने बताया है कि किस तरह का यहाँ पे कैरेक्टर इसका बता रहा है, बहुत ही स्ट्रगलिंग होगी, इंसल्ट झेली हुई होगी बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया में एक्सपोज ना करने वाली होगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक ठाक, और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होगी, अपने फील्ड में बहुत नॉलेजेबल होगी है, लेकिन इंसल्ट बहुत झेलेगी है, खुद भी झेल चुकी होगी शादी पहले, और थोड़ा और साल तक की शादी के बाद सिद्धार्थ से झेलेगी, तब सिद्धार्थ को समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये मेरा यही मेरी है, यही मेरी पार्टनर है जो ठीक से मेरे से निभा सकती है, तब उनको जब समझ में आएगा ना तब शांति हो जाएगी उनके लाइफ में। कार्ड यहाँ पे यही बता रहे थे, आपने साफ देखा हुआ है कि पीस का कार्ड आया हुआ है और उनकी प्रोग्रेस का भी कार्ड आया हुआ है सिद्धार्थ की लाइफ में, तब आखिरी में जाके उनकी लाइफ में उनको लगेगा कि हाँ अब जाके जस्टिस हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ कार्ड साफ बता रहे हैं, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आई थिंक कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।